सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, आज वो दिन आ ही गया है। इसी चीज का मैं बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था। मुझे अपने गांव आए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, पर मैंने यहाँ आने की शपथ ले रखी थी। जैसा कि देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर मैं आना चाहता था। ये मेरी डेस्टिनेशन लोकेशन थी कि चारों ओर घना जंगल मेरा रास्ता रोके, मुझे आगे ना बढ़ने दे। इसी चीज का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तो फाइनली आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इतना खूंखार भरा जंगल, इसी चीज का मुझे बेसब्री से इंतजार था। महीना आए यहाँ हो गए, पर कुछ रुकावटों के कारण मैं यहाँ पर नहीं आ पा रहा था। पर आज मुझे वो दिन मिल ही गया जिस दिन जहाँ का मौका जंगल ने खींच लिया मुझे अपनी ओर। तो मैं इस खूंखार भरे जंगल में आ चुका हूँ। आप लोग देख सकते हो, मैं और मेरे भाई साहब जो कि आगे चल रहे हैं, देख सकते हैं ये इतना जहरीला पेड़ है कि इसके कांटे इतने खतरनाक होते हैं कि एक बार गड़ जाएं तो उसी टाइम इंसान की मौत हो जाती है। पर आप ऐसी भूल कभी ना करना, क्योंकि हम तो बचपन से ही खतरनाक शौक पालते आए हैं और ये जंगल हमारे दोस्त बन चुका है और ये हमें कुछ नहीं कह सकता। कुछ इस प्रकार मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये खूंखार भरे जंगल अब ये टनल जाती है यहां से आगे की ओर। देख सकते हो यहाँ पर एक नाला जाता था नदी, जो कि अब सूख चुका है। ये दोस्तों चंदन के पेड़ लगे हैं, आप देख सकते हो लगा है। ये चंदन के पेड़ काफी महंगे बिकते हैं, पुष्पा यहीं से पेड़ ले जाता है चुरा के, पर हम लोग उसको कुछ नहीं कहते। इस चंदन की लहर बहुत ही खतरनाक है। ये देखो किस तरह अपना झाग उगल रहा है, ये वाला ज्यादा तगड़ा है, लाल चंदन का। ये बहुत ही करोड़ों में बिकते हैं। और सोच सकते हो आप लोग कि हम कितने अमीर होंगे जिनका घर, ये देखो किसी ने काटा लाल रंग का दिख रहा है। और इन कीड़ों ने अपना घर बसा रखा है। चंदन यहाँ पर काफी सांप भी पाए जाते हैं, अलग अलग प्रजाति के। यहाँ लगता पुष्पा आया था, उसने दो दरार मारी फिर भाग गया। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जुकाम काफी हो रखा है क्योंकि यहाँ धुंध काफी ज्यादा थी 2 दिन से। अभी धुंध छटने के कारण हम लोग यहाँ पर जंगल में प्रवेश कर पाए हैं, नहीं तो हमारे सारे कपड़े गीले हो जाते। देख सकते हैं अगल बगल जंगल है, पर हमने ये रास्ता इसलिए चुना क्योंकि इस टाइम हम लोग बड़े अनसेफ हैं। बीच में काफी सारे तेंदुए छोड़ चुके हैं और हम लोग बीच में रहेंगे तो हमें कोई खतरा नहीं रहेगा। अगल बगल से आती आवाज हमें सुन जाएगी और हम सतर्क हो जाएंगे। और यहाँ पर सांप भी अटैक नहीं कर सकते, वरना इन खूंखार भरे जंगल में कहीं भी लटके सांप हम लोगों के गले में आके लिपट सकते हैं। खास करके यहाँ पर हरे वाले सांप ज्यादा पाए जाते हैं, जिनमें न्यूरोटॉक्सिक नामक एक वेनम पाया जाता है जो कि चंद मिनटों में इंसान की मौत कर सकता है। और सांपों से अधिक जानकारी पाने के लिए अर्जुन भाई को संपर्क करें। और इनको बहुत ही सांप ने काटा है, पर ये अभी भी मेरे साथ ही खड़े हुए हैं क्योंकि इनका नाम अर्जुन है इसीलिए। और हमको ये रास्ता काफी अद्भुत दिख रहा है, पर रात होते कुछ जंगली जानवर अपना जंगली अड्डा छोड़ के इस रास्ते पे चलना ज्यादा अच्छा समझते हैं। इनके बालों में कुछ मकड़े भी हुए हैं।
तो मैं अभी, हमारी हालत जंगलों के बीच से गुजरने की नहीं है, इसलिए माफ करना दोस्तों, मैं उधर नहीं जा सकता। आगे नदी का व्यू अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। ये रास्ता डायरेक्ट भाई साहब बता रहे हैं कि नदी की ओर जाता है, तो ये रास्ता बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर शायद बबलू आया था जो कि अपने निशान छोड़ चुका है। यहाँ पर शायद घोड़े भी आ चुके हैं, जो कि पहला घोड़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि बबलू घोड़ा यहाँ पर आया था और शुभम घोड़ा यहाँ से भाग चुका है। और हम लोग अपने साथ बोतल इसलिए रखते हैं क्योंकि कहीं भी हादसा हो सकता है, सांप अपने दुर्घटना भरा अटैक कभी भी कर सकते हैं, इसलिए हम उनको बोतल में फंसाने के लिए हमेशा अपने साथ बोतल रखते हैं। देख सकते हैं ये रास्ता अभी जल्दी ही बना है। यहाँ पर किसी बुजुर्ग ने अपना कब्जा करके खेत बना लिया है, पर वो नहीं जानता हमारे जंगल का नाश कर रहा है वो। ये जंगल इलाके में यहाँ किसी की रजिस्ट्री नहीं है, पर कुछ लोग यहाँ पर कुछ चंदी लालच के कारण यहाँ अपना कब्जा कर रहे हैं और हमारा जंगल का नाश कर रहे हैं। ये जंगल बना के मेरा दिमाग खराब कर दिया उन लोगों ने। उन लोगों की लालच के कारण एक ही दम दोस्तों आपने देखा कि मेरे ऊपर सांप ने अटैक किया, और वो सांप पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया, शायद उड़ने वाला सांप था। वो मेरे मोबाइल पे टकराया और मेरा मोबाइल नीचे गिरते गिरते बजा और वो कहीं कूद गया है, जाने दो उसको बेचारे को। तो दोस्तों मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कितने सारे पेड़ लगे हुए थे पिछले साल, और यहाँ पर लोगों ने कुछ चिंदी लालच के कारण, यहाँ पर हमें एक शिकार मिला है और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप ऐसे ही बढ़ रहे हैं जी, यहीं कहीं दिखा है वो अंदर की ओर चला गया है। दोनों तरफ का जंगल बता दो कितने बीच में है। फाइनली देख सकते हो यहाँ पर एक मैदान पड़ता है जहाँ पर लोग आते हैं। ऐसे वो भी प्लाट बना हुआ रखता है, खेत बना लिया। यहाँ पर लोग अपने लालच के कारण यहाँ पेड़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, वरना हम अपने पे आए तो यहाँ पर जंगली जानवर अवश्य छोड़ेंगे, जिसमें शामिल होगा एक तेंदुआ, एक जहरीला सांप जो कि अपनी आती आती सबको छोड़ देंगे। फिर पता लगेगा इन लोगों को जंगल में नुकसान पहुंचाने के हानियां क्या कर। देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पेड़ इंसानों ने खोखले कर दिए हैं, और ये जंगल नहीं रहेगा तो हमें मजा नहीं रहेगा। इन्होंने पूरा नाश कर रहे हैं ये लोग। अभी सुधर जाएंगे तो ठीक है, वरना मैं अगले साल बहुत सारे जहरीले सांप लेके आऊंगा और कुछ मगरमच्छ और जंगली जानवर, इसमें बहुत से शामिल होंगे। फिर इन लोगों को पता लगेगा कि जंगल में नुकसान पहुंचाने में मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि ये रास्ता यहाँ तक आते आते सांस फूलने लगी है। यहाँ पर घोड़े भी आते हैं, इस नहर का संपर्क सीधा नदी से था, नदी का पानी सीधा यहाँ से जाता था सप्लाई होते हुए, पर आगे से बंद कर रखा है। अब यहाँ से थोड़े खेत चालू हो जाते हैं क्योंकि आगे नदी पड़ जाती है। वो
उसमें मुझे हलचल दिखाई दे रही है। इंसान है मेरी, इंसान खांस रहा है, मुझे लगा कोई जंगली जानवर अटैक कर रहा है। ऐसे इलाकों में आने से पहले एक डंडी को ले लें और उसको पीटते हुए चलें, क्योंकि यहाँ पर सांप अपना बसेरा डाल के बैठे हो सकते हैं। वो आवाज़ सुनते ही भाग जाएंगे और आपकी जान बच जाएगी। इसी तरह मैं आपको गाइडलाइंस देता रहूँगा जंगल में कैसे सरवाइव किया जाता है। और मेरे कानों को आवाज़ आ रही है नदी की, और नदी शायद आगे ही है और यहाँ पर किसी ने रास्ता रोक रखा है। उसने आगे का रास्ता रोक रखा है, शायद वहाँ पर कोई खुली हवा। कौन सी? ये पौधा अक्सर बुखार में काम आता है। ये जंगली बूटा नहीं है, ये जंगल में ही पाया जाता है। ये जड़ी बूटी ऐसी है कि जिसको बहुत ही भयानक बुखार हो, इसको पीस के एक बार इसकी एक ड्रॉप जिसको भी बुखार है उसको दे दिया जाए तो वो कुछ ही मिनटों में अपना बुखार खो देता है और ठीक हो जाता है। अब धुंध काफ़ी कम हो चुकी है और मैं बीच घने जंगलों से ज़्यादा इसलिए नहीं आया क्योंकि आप लोगों को पता है जो कि धुंध है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैताउस इंग्लिश में उस बोलते हैं पर उसको फॉग बोला जाता है। दोस्तों मैं नाटक कर रहा था, आप लोग सीरियस ना लेना क्योंकि मुझे ऐसी छोटी मोटी इंग्लिश पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बहुत बड़ी बड़ी इंग्लिश बोलता हूँ इसलिए छोटी मोटी इंग्लिश बोलने का कोई शौक नहीं है। यहाँ पर काफ़ी पानी लगाया गया था जिसके कारण यहाँ से कुछ लोग गुजरे हैं और यहाँ पर पाइप बिछी हुई है तो आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर कितनी खतरनाक खेती की जाती है। देख सकते हो यहाँ का व्यू। हाँ अगली बार कोशिश करेंगे कि हम अपनी सुपर बाइक यहाँ से ला पाएं, क्योंकि सुपर बाइक चलाने का ऑफ रोडिंग में बहुत ही मज़ा आएगा। अब मैं नदी की ओर बढ़ रहा हूँ, आगे नदी दिखाऊंगा आप लोगों को।
यहाँ पर पिछली बार बहुत सी सरसों की खेती की गई थी, इस बार यहाँ पर गेहूँ लगाया गया है। सॉरी गाइस, मैं कैमरे में नहीं देख सकता क्योंकि नीचे बहुत ही पतली मेड़ है, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये देख सकते हैं कितनी पतली मेड़ है। और ये बैंगन की खेती हो गई, यहाँ पर बैंगन लगाए गए हैं। बताऊं आगे रास्ता बंद कर रखा है, आगे सरसों लगा रखी है इसीलिए। ये व्यू देख के मुझे एक गाना याद आ गया है, ये खूबसूरत सपल जाए हम किधर, तेरे नाम हमने किया है। सॉरी गाइस, मुझे गाने की सिर्फ एक एक ही लाइन आती है, इसलिए मिनट में मेरा गाना बदल जाता है, तो आप लोग मेरे गाने पे ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा। और इस ब्यूटीफुल व्यू को देख के आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि हमें कितना आनंद आ रहा है। और सामने एक बोट है जिस पे एक इंसान शायद फिशिंग कर रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। और यहाँ पर नदी का पानी चुरा के इन खेतों में डाला जाता है सिंचाई करने के वास्ते। ये देखो, ये लगे हुए हैं सिस्टम, और सिस्टम के जरिए नदी से पानी निकाला जाता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, और नदी का पानी बहुत काला दिख रहा है। शायद लखनऊ से फैक्ट्री के पानी के नाले को इसमें मिला दिया गया है, जिसके कारण ये खूबसूरत नदी का चेहरा ही बदल डाला। इंसान बहुत ही पापी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, और जब प्रकृति बदल जाती है तो बोलते हैं ये क्या हो गया। सो फाइनली अभी एक इंटरेस्टिंग बात हो चुकी है, हमारी नाव वालों से काफ़ी ज़्यादा बहस हो चुकी है, और उसको हमने यहाँ पर आने के लिए फोर्स काफ़ी किया, तो वो काफ़ी राजी हो चुका है अब, क्योंकि हमने उसको 10,000 पे राजी किया कि हमें यहाँ पर बिठा के उस पार तक घुमाए, और हम उसे थोड़े से चिंतमनी देंगे। चिंतमनी मतलब 10,000 उसको कैश देंगे। और अभी अभी आपको नाव में चढ़ के आपको वीडियो दिखाता हूँ मैं, किस तरह से हमने ने कन्वर्सेशन की और उसको राजी किया। और ऐसे आप लोग भी राजी कर सकते हैं, और वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, पर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ऐसी राय दूंगा जिससे आप उन लोगों को मना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर गोभी लगी है, गोभी को देख के आगे बढ़ रहा हूँ मैं। और नाव हमने वहाँ पर बुला ली है, ऑर्डर कर ली है ओला से, ओला के जरिए हमने नाव को बुला लिया है, यहाँ पर खड़ी ही होगी हमारी नाव। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर ढलान है। ओए 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 ओए, पहना पिछले, पहना पिछले। ऐसे इलाकों में आप लोग बड़े ही सावधानी से आना, कभी भी कहीं भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो इन भाई साहब को हमने आगे बुला लिया है। वीडियो बनाया यार, पाँच मिनट लगेंगे यार। अच्छा, बिठा के चक्कर ही दबा दो वहाँ तक, ला दोगे क्या? चला नहीं भाई यार, चला लेगा यार भाई, जाएगा मेरी जात चला। और ये भाई साहब कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो आप लोगों को घुमा देता मैं। नाव चलानी आती है तो ले जाइए, बैठियो।
रोहित भाई जा रहे हैं नाव में। कहीं जा रहे हो क्या? बड़ी तेज वहां भगाया था, वहां बहुत तेज भगा रहा है। किधर कहां जाओगे हुआ? आज बैठी है, आज आवाज आई। रुको वीडियो पक फाइनली दोस्तों हम लोग बैठ चुके हैं। भाई साहब बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, तो हमने बोला अरे थोड़ी देर तो घुमाओ आगे केवल तक। अभी मैं फोटो खिंचा रहा था तो फाइनली हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं आगे की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। भाई साहब के पास टाइम नहीं है, नहीं तो हमें पूरा घुमा देते, पर अभी थोड़ी देर के लिए राजी किया है भाई साहब को हमने। तो अनबैलेंस करते हुए मैं थोड़ा सा इसको पकड़ लूँ, उसके बाद हम लोग देख सकते हो मैं आगे बढ़ रहा हूँ काफ़ी तेज़ी से, मज़ा आ रहा है। ओ
तो दोस्तों हम बिराना मछली की लास्ट में अभी हम निकले हैं और तो सो फाइनली हमारी डेस्टिनेशन आ गई है, हमें अब उतारा जाएगा। यहीं तक था हमारा सफ़र, अब हमें उतार दिया जाएगा। चलो कोई बात नहीं, भाई ने हमें इतना ही घुमा दिया, वही बड़ी बात है। क्योंकि इस टाइम पे रोक दिया गया है और हम बड़े सावधानी से आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ फिसलन है, तो कैमरा मैन अर्जुन के साथ। अरे फिसलन भी क्या चलो ठीक है भैया, धन्यवाद। तो शायद यहाँ पर अच्छा यहीं खड़ी कर दोगे क्या? तो भाई साहब यहाँ पर खड़ी कर रहे हैं, ये भी यहीं तक आ रहे थे, इनको यहाँ पर कोई काम होगा इसलिए यहाँ तक आ रहे थे। तो अब हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, भाई को शुक्रिया बोल के। अब हमें वो रास्ता तय करना पड़ेगा टूर का। ठीक है भाई, धन्यवाद, आ जा। तो यहाँ पर काफी पानी से बाढ़ आ चुकी है, यहाँ पर काफी चिक्कड़ है। अब हम फिर वहीं पर जा रहे हैं क्योंकि हमारी वो सांप वाली बोतल वहीं पर छोड़ आए थे, जिसके कारण हमें वहां पर जाना पड़ेगा। पर नाव का नज़ारा हमने ले लिया है, जो कि हमारे नसीब में था नाव में बैठना, तो हम बैठ के आ चुके हैं जैसा कि हमने आप लोगों को बताया। तो चैनल बता देते, देखता बाद में खुश हो जाता। सो फाइनली हमें यहाँ पर एक जंगली फ्रूट मिला है जिसको कहते हैं गरेंद, क्या बोलते हैं, खरेंद बोलते हैं इसको, और ये कुछ इस प्रकार है, इसे खाया भी जा सकता है। अभी आप लोगों को यकीन नहीं होगा इसलिए मैं आप लोगों को खा के दिखाता हूँ। एक हमने कच्चा खाया है इसलिए मैं कच्चा है, है इसको नहीं खाया जा सकता, ये वाला है पका। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ी सी शूट करेंगे, अपनी फोटो निकालेंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। आप देख सकते हो हम वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं, हमने शूट शार्ट कर लिया है। अब यहाँ से हमारा हमारी सफर बाय बाय भाई, अब ये हमारा नवा रास्ता, अब इस रास्ते पे हम आगे बढ़ते हुए। ये रास्ता तो नवा लग रहा है, यहाँ के पेड़ काफी हरे भरे और बहुत जानदार लग रहे हैं। अभी मैं अपने मोबाइल से 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 60 FPS का फ्रेम रेट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है वाइड एंगल में, वरना मेरे सिर्फ हाफ ही शो होगा। इसलिए मैं पहले आप लोगों को व्यू दिखा दूं और मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो हुई है इसी के साथ, मेरी तो लो हुई हुई बैटरी मोबाइल की भी हो गई। तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ पर काफी सिनेमेटिक शॉट हमने लेना था पर क्या बताएं, अब इतना टाइम रह नहीं गया है, कभी फुर्सत में आएंगे तो यहाँ के शॉट ले जाएंगे। अभी आगे एक गांव पड़ रहा है, तो गांव को हम पार करने के बाद वीडियो को समाप्त कर देंगे। ये ढोलकपुर है, भीम यहाँ पर ही मिलेगा। अभी वो
राजा के पास गया होगा, इसलिए अभी तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक काफी पुराना यहाँ पर हमें काफी इंटरेस्टिंग चीज मिली है। काफी मजेदार चीज मिली, तो मजा आ गया इस गांव में घूम के। यहाँ पर थोड़ा पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है आई थिंक। तो अब यहाँ से हम सीधा अपने गांव की ओर रवाना हो जाएंगे। अब मुझे ये नहीं पता ये गांव कौन सा है, पर काफी बढ़िया लग रहा था। मैं अपना व्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। आज का सफर यहीं तक था। धन्यवाद बने रहने के लिए। आगे का व्लॉग जल्द आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा विश्राम करेंगे, उसके बाद घर की ओर रवाना होंगे। धन्यवाद।